सम्मानित हमारे बुजुर्ग मातर शक्ति और युवा नौजवान साथियों, हमारी तरफ से आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम है। उससे पहले हम ये कहना चाहते हैं हमारी कमेटी से, सरकार का अल्टीमेटम का दूसरा दिन है, हम कल और इंतजार करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई कठोर कदम उठाओ, मां मैं तो हमारे साथ हूं बिल्कुल। अगर बात धरने की है तो हमारी युवा टीम अनशन बैठने खातर भी तैयार है। अगर काम राम मारा साथ देता हो मां मैं गऊ साड़ा राखी वाला गेट काम ताला तोड़ने भी तैयार हां। रही बिजली की बात, 24 घंटे बिजली हमारा काम ने मिलनी चाहिए। और एक और मामे धरनावासी सभी से कहना चाहोगे, 3 साल तक आर्मी की भर्ती नहीं आई है और 8 मई को आसपास के सारे गांव के लड़के बरवाड़ा तहसील को घेराव करेंगे। आप सभी ज्यादा से ज्यादा वहां पे पहुंचे और हमारा समर्थन करें। और हम महेश्वर क्षेत्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारे बीच में पूरा जोश भरने का काम करते हैं। पहली बार माइक पर बोले हैं, गलती से ना हो, कभी कोई गलती होगी तो मैं अपना बच्चा समझ के माफ कर दियो। राम राम सर भी बड़े सोचे ना। मेरा तो एक सवाल है सारे, ये माता बहन बैठी यार, ये गुड बुजुर्ग बैठे, राखी का अलावा कि मैं और भी मांग गए अपने घर पर पूछू, मैं राखी का अलावा कि मैं मांग गए, नौकरी की मांग है, बिजली की मांग है, तो कया करो फिर, कोई मंत्री कोई किसी भी बड़े लेवल का आदमी आओ शहर है ना, कया करो, मारी राखी राखी की मांग को नहीं, कया करो फिर, उसके ना इस कमेटी ने भी कहो यह बात आगे पूछा हुआ है, ये बोलते तो को नहीं, और इस कमेटी ने कहूँ यह बात गांधगढ़ आगे पूछा हो, देखे नौकरी तो जरूरी है, बेरोजगार हो रहे सारे युवा साथी, तो मतलब मारा भी सहयोग करो थोड़ा बहुत, धन्यवाद। धन्यवाद भाई अनिल, हम कुछ बैठे हैं वो भी बोलना चाह रहे, आज भाई हम कुछ आप सभी को बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मेरे दादा दादी और ताई ताऊ और बड़े छोटे भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। हेलो, हाँ तो सबसे पहले हम ये बात कहना चाहते हैं कि हर रोज भारत में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि 500 युवा आत्महत्या कर रहे हैं और हमारे थर्मल में 11,000 रुपये साइन करा के 7,000 रुपये दे जा रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहाँ पे आइए और हमारे देश को उजागर कीजिए और इस युवाओं को ऐसा कदम उठाने से रोकिए कि एक आत्महत्या नहीं करनी पड़े। आप अपनी समस्या को खुद दूर कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। और कमेटी वालों से भी मेरा खास निवेदन है कि अपनी कमेटी में 3-4 युवाओं को भी शामिल करें जिन्हें आप योग्य समझते हो, शिक्षित समझते हो, जो आपकी और हमारी पसंद हो। धन्यवाद। धन्यवाद भाई अंकुश, बात में तो दम था, युवाओं ने शामिल कर लो। और मैं यह कमी मन ने भी महसूस हुई थी क्योंकि देखो कमेटी के अंदर जोश और होश दोनों चीजों का होना जरूरी है। युवा थोड़े से गर्म बोल पड़े हमारे काके ताऊ उस बात में संभाल ले तो जरूरी है।